नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और जिसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल। कल हमने इसकी शुरुआत की थी, कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा और इस किताब के अब तक के जो अपलोडेड वीडियो है वो आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम इसकी 2 नंबर पार्ट की शुरुआत करते हैं और राजस्थान में जो प्रजामंडल है इनकी स्थापनाएं कैसे हुई थी और कौन कौन से प्रजामंडल बने थे उन पर चर्चा करते हैं। तो देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में बांटा गया, यानी राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहला 1927 ईस्वी से पूर्व, दूसरा 1927 से 1938 और तीसरा 38 से 49 तक, यानी 3 प्रकार के आंदोलन चले थे। एक तो 1927 से पहले चला था, फिर 27 से 38 चला था और फिर 38 से 49। देखो, जो पहला चला था वो चला था सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं के अंदर था, यानी सामाजिक की क्या समस्या थी और मानव की क्या क्या समस्या थी उस पर चला था। दूसरा जो चला था 27 में वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, यानी 27 में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देसी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की, यानी 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, वहाँ पर एक अधिवेशन पास किया गया जो देसी रियासतों में जो लोग हैं उनको अपने स्वतंत्रता संघर्ष चलाना चाहिए। 38 के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई, यानी जितने भी राज्य थे उनमें प्रजामंडल या प्रजा परिषदें बनाई गई। राजनीतिक अधिकार और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए, यानी ये जो राजनीतिक अधिकार थे और उत्तरदायी प्रशासन के लिए ये आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासत में भी प्रजा के नायक संगठन, यानी जो प्रजामंडल स्थापना होती है इससे पहले भी जो पढ़े लिखे लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने ब्रिटिश भारत के जो रियासतें थी उनमें प्रजा के अनेक संगठन बनाए थे। ऐसे संगठनों में 1918 में बनी थी राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में बना था राजस्थान सेवा संघ, 1920 में बना था अखिल भारतीय देसी लोक परिषद, और इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्र आई, यानी ये जो संगठन बने थे जैसे 1818 में तो राजपूताना मध्य भारत सभा बनी थी, 1919 में राजस्थान सेवा संघ बना था, 20 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद बनी थी, इन संगठनों के आंदोलन में तेजी आई। अब हम पढ़ते हैं प्रजामंडलों की स्थापनाएं। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर हुई है, तो राजस्थान को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में, कब है, 1931 में। परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 38 में किया, यानी इनकी स्थापना 31 में हुई लेकिन इनका जो राजनीति में प्रवेश है वो 38 में हुआ। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर में अलवर प्रजा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई उनने इसी वर्ष, यानी कोटा प्रजामंडल की, उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल तीनों की स्थापना 38 में हुई थी। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद, यानी 1944 में की। 45 में जैसलमेर प्रजामंडल बना। 33 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना सन 1936 में की गई। तो इस प्रकार ये जो है प्रमुख प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई आप देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जोधपुर में जन आंदोलन या जोधपुर प्रजामंडल। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ, यानी राजस्थान का जो जोधपुर आंदोलन है ये सर्वप्रथम जोधपुर रहा। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। यानी क्या, 1938 में जो नेता सुभाष चंद्र बोस है ये उदयपुर आए, उन्होंने त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राजाओं से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़ लोक परिषद ने इनके विरोध में आवाज़ उठाई। यानी सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें द्वितीय महायुद्ध उसमें क्या, अंग्रेजों देशी राज्यों से परामर्श लिए बिना ही देशी राज्यों की जो सेनाएं थी उनको युद्ध में धकेल दिया था, तो इससे जो मारवाड़ लोक परिषद है उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना रोष बताते हुए पदों से त्यागपत्र दिया तो जो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी जो सलाहकार परिषद थे उससे इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को जो है गैर कानून संस्था घोषित कर दिया और उनके अनेक नेताओं को जेल डाल लिया। छात्र भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिए, इनमें से प्रमुख थे जगदीश लाल जोरावरमल और मदनलाल। इन्हीं छात्रों को स्कूल जाने से रोका गया और इन्हें परीक्षा नए दिन करनी, यानी छात्रों को कहा कि आप स्कूल न जाएं और नई परीक्षा दें। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर
फूलचंद बाफना को गिरफ्तार किया गया, यानी जो इसके जो फूलचंद बाफना थे उनको गिरफ्तार किया। नागौर की शिवदयाल दवे को जिसे सातवां डिक्टेटर बनाया गया था उसे गिरफ्तार किया। आठवें डिक्टेटर तुलदीशा राठी को भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार पुलिस ने एक दिन जो लोक परिषद है इसके तीन डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोध नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकले। इसी गिरी भीड़ इकट्ठा गई तो घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रूर जनता ने पुलिस को बलवा रोका, उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्ण कुमारी, अखिलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी भी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने जो है सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल, सरदार हाई स्कूल में जो है धरना प्रदर्शन भी किया और 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूर्यदेवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत भी गाए थे। आर्य समाज कन्या पाठशाला के प्राचार्य जयप्रकाश ने भी इसमें एक जोशीला भाषण भी दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी, लेकिन राष्ट्रवादी लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1944 को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाणा के जागीरदार जो है अपने सामंती सहयोग द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमान्य अत्याचार कराए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्र में इसकी तीव्र भर्त्सना यानी इसकी मतलब उसकी भर्त्सना की गई, निंदा की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी परवाह नहीं की और जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया तो उनके पुत्र हनुमंत सिंह जो है गद्दीसीन हो गए। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को हटा दिया और अपने जागीरदार व रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मैनर को जोधपुर भेजा। उनके समझाने पर राजा ने जो है वास्तुचित समझा और 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया और मार्च 1949 में जोधपुर जो है बृहत्तर राजस्थान में लीन हो गया। तो हमने जो है जोधपुर प्रजामंडल आज पढ़ा, कल जो है हम एक एक करके प्रजामंडलों को पढ़ेंगे, यानी ये नहीं कि एक साथ ही सारा प्रजामंडल पढ़ेंगे, एक एक करके सारे प्रजामंडल पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए बोलना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।